इसकी राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए केजरीवाल जी ने कोई ऐसा कदम उठाया, आपको क्या लगता है? सर पहली बात तो मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। अच्छा, मैं चाइना में रहती हूँ, वहाँ काम जॉब करती हूँ। मैं साल में एक बार आती हूँ और दिल्ली की हालत देख के मैं आते जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर आती हूँ मेरी आंख में आंसू आते हैं कि इस मेरे देश की हालत इस केजरीवाल ने बर्बाद कर दी है। और दूसरी बात मेरा सरनेम मेरी मदर की साइड से केजरीवाल है और मैंने वो सरनेम हटा दिया है कि मुझे बेइज्जती फील होती है इस सरनेम के कारण। तीसरी बात बिजली फ्री, पानी फ्री, इन सबको फ्री का लालच दिया। खाली वोट की राजनीति, जिसको काम करना होता है ना वो कभी फ्री का लालच नहीं देता है, वो अपने काम से, जैसे मोदी जी के नाम से हम वोट देते हैं। जब मोदी जी नहीं आए थे उससे पहले मैं चाइना की सड़कों पे जब घूमती थी, मैं वहाँ काम करती हूँ और मुझे लगता था चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, और मुझे लगता था यहाँ पे अगर मुझे कोई उठा के भी ले जाएगा या कोई केस, गलत केस भी डाल देगा तो हमारी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट हेल्प नहीं करने आएगी। मैं इतनी इनसिक्योर थी, मुझे डर लगता था। मैं कृष्णा को मानती हूँ, मैं अपनी इसकी कसम खा के कह रही हूँ। और आज जब से मोदी जी आए हैं हम यूं करके घूमते हैं, हमें इतनी सिक्योरिटी रहती है मोदी जी से, देश में हमारी रेस्पेक्ट हुई है। लोग हमें डरते बोलते तुम्हारा लीडर मोदी, चाइनीज बोल नहीं पाते, वो कहते मोदी मोदी हंग हाओ दे स्पीक लाइक दिस। तो मोदी जी के कारण हम सिक्योर हुए, हमारी इज्जत बढ़ी है। सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो काम करते हैं। हमारे अमित शाह जब उन्होंने कहा था कि 370 को उस पे जान दे देंगे, बड़ा खुशी हुई थी कि हमारे देश में कोई देश प्रेम करने वाला बंदा है। हमारे नजायज फायदा क्यों उठाते हैं हमारे देश के ये अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, ये आपके ममता दीदी, इन लोगों की वजह से फायदा उठाते हैं, वरना लोगों की हिम्मत नहीं होती है। आज हमारी डिमोनिटाइजेशन हुआ था हमारे देश में, पता है चाइना का बिजनेस 3 महीने के लिए ठप हो गया था, वहाँ की इकोनॉमी हिल गई थी। मोदी जी ने यहाँ बैठे बैठे दूसरे देशों को हिला दिया था, और यहाँ हम रो रहे थे कि हमारी जेब फट गई है, हम लाइन में लग रहे हैं, कोई लाइन में नहीं लग रहा था।